Hello all my dear friends, this is Gurukul Studies channel. This is the lecture on 5th of partial differentiation, and in this lecture we're gonna discuss one numerical of partial differentiation. If you are new to this channel, don't forget to subscribe my channel and press the bell button so that you will get the update of new lessons. Thank you so much. Okay, so let's get started the numerical. So given numerical is, prove that if f of xy is equal to 1 by root y into e raised to minus x minus a whole square divided by 4y, then we have to prove f of xy is equal to f of yx. We have to prove this, right? So given f of xy, our given function is this one, right? 1 by root y into e raised to minus x minus a whole square divided by 4y. So we can write this is हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा रूट वाई है उसको हम वाई रेस्ट टू माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं इनटू ये हमारा फंक्शन सेम है राइट right? उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएशन फर्स्ट कर लेते हैं एक्स के साथ में एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू सो हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे फंक्शन में देख रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स में ही चेंजेस आएगा वाई जो और बाकी जो भी टर्म्स होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाई का फंक्शन है तो ये वाला तो कांस्टेंट रहेगा हम डिफरेंशिएशन किसका होगा ओनली इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सो हमने क्या किया ये फंक्शन हमने कॉन्स्टेंट रख दिया इन टू इसका हमने डिफरेंशिएशन किया इसका ई रेस टू माइनस एक्स बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर वाई सो एक्सपोनेंशियल का पहले तो डिफरेंशिएशन सेम होता है सो इसको हमें एज इट इज़ लग दिया उसके बाद में इसके जो इंटरनल इसका फंक्शन है एक्सपोनेंशियल के उसको हम उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया जो हमारा कर्ल बाय कर्ल एक्स क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर वाई इसका डिफरेंशिएशन तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं जो हमारा ये माइनस है इस साइन को मैंने यहाँ पर आगे ले लिया है राइट बाकी वाई रेस टू माइनस वन बाई टू ये सेम है ये एक्सपोनेंशियल ये टर्म भी हमारी सेम है अभी इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो हमारा जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम तो फोर वाई हमारा कांस्टेंट रहेगा तो फोर वाई को हमने बाहर ले लिया वन बाई फोर वाई बाहर आ गया हमारा बचा क्या एक्स माइनस ए होल स्क्वायर तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये टू हमारा आगे आ जाएगा एक्स माइनस ए बच जाएगा हमारा राइट तो हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर का टू इंटू एक्स माइनस ए तो ये टर्म आ जाएगी हमारी अभी ये टू से ये टू से ये फोर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे टू वाई नीचे बचेगा सो ये वन बाई टू हम बाहर ले लेते हैं माइनस तो हमारा पहले से है और वन बाई टू हमने यहाँ पे आगे ले लिया माइनस वन बाई टू अब जो ये वाई की एक पावर है ये पावर ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगी तो वाई रेस टू माइनस वन बाई टू और ये ऊपर आएगी तो माइनस वन हो जाएगा और ये हमारी टर्म हमने आगे ले ली एक्स माइनस ए इंटू ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख दी हो गया तो अब इसको अरेंज कर कैलकुलेट कर लेते हैं बस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू वाई रेस टू इसको हमने वाई रेस टू माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा एंड ये हमारा एज इट इज हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि हमारी ये है गिवन वैल्यू राइट एफ ऑफ एक्स की नेक्स्ट हम इसी जो हमारा मेन फंक्शन था ये वाला एफ ऑफ जो एफ फंक्शन है हमारा ये वाला गिवन फंक्शन इसको अब हमने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो चलो इसको अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं सो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कर्ल एफ वाई कर्ल वाई हो जाएगा इज इक्वल टू अब हमने वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो आप देख सकते हो इस फंक्शन में कि यहाँ पे दोनों फंक्शन में वाई है देखो यहाँ पे इसमें भी वाई है एंड इसमें भी वाई है तो दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे यू इंटू वी फार्मूला का यूज़ करेंगे एंड प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे यू इंटू वी एक को यू मानेंगे एक को वी मानेंगे और बाद में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो चलो करते हैं डिफरेंशिएट इसको सो वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम y को डिफरेंशिएट जो हमारा गिवन फंक्शन है वो ये है तो हम पहले इस y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको एज इट इज़ रख रहे हैं
अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस वन बाई टू आगे आ जाएगा, माइनस वन बाई टू आगे आ गया, वाई रेस टू माइनस वन बाई टू माइनस वन, ये डिफ्रेंशिएशन हो गई यू की। और वी को हमने ऐसे ही रखना है, वी हमारा एज इट इज़ है प्लस। अब क्या करना है हमने, अब हमने u को एज इट इज़ रखना है, जो हमारा वाई रेस टू माइनस वन बाई टू उसको हमने सेम रखना है, और जो दूसरा हमारा जो y का फंक्शन है उसको वेरी करना है, तो इसको वेरी करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो एक्सपोनेंशियल का पहले तो सेम होगा, और अंदर का अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं। सो कर्ल बाई कर्ल y ऑफ माइनस x माइनस a होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर वाई इज इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। सो हमारा माइनस वन बाई टू वाई रेस टू माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा, इनटू एक्सपोनेंशियल ये टर्म सेम आ जाएगी, प्लस ये प्लस आ गया हमारे पास, ये तो हमारी टर्म सेम आएगी, ये भी हमारी सेम आ गई। इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं बस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाले टर्म में तो हमारे पास वाई है नहीं, तो उसको तो हम एज अ कॉन्स्टेंट समझ के बाहर निकाल देते हैं, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर इस टर्म में डिनोमिनेटर में देख सकते हो आप 4y है, तो 4 भी हमारा कांस्टेंट है, तो 4 भी बाहर निकाल दे, तो मैंने 4 भी ये टर्म हमने बाहर निकाल दी, बचा क्या हमारे पास 1 बाई वाई बचा, राइट। तो 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका ऐसे होगा कि y पहले ऊपर जाएगा, वाई रेस टू माइनस वन हो जाएगा। सो इसके बाद में क्या होगा, ये माइनस वन आगे आएगा और वाई रेस टू माइनस वन एंड माइनस वन होएगा, कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जब हमारे पास 1 बाई वाई होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ये वाई ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो जब भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस वन आगे आ जाएगा, वाई रेस टू माइनस वन एंड माइनस वन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई टू हो जाएगा, और नीचे इसको ले लेंगे तो आ जाएगा ये माइनस वन बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ठीक। तो हमने इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये माइनस और इसका जो एक माइनस निकला वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, इसको डायरेक्टली हमने लिख दिया वन बाई वाई स्क्वायर, राइट। सो इसके बाद में हम इसको इसमें देख सकते हैं, हमारे पास कॉमन टर्म्स क्या है, देखो इसमें भी ये कॉमन है और इसमें भी ये चीज़ कॉमन है, तो ये चीज़ हमने कॉमन निकाल दी इसमें से, तो कॉमन निकाल देते हैं, हमारे पास ये चीज़ आ गई कॉमन, तो यहाँ से ये कॉमन निकाल देते, हमारे पास इस फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, वन बाई टू माइनस वन बाई टू वाई रेस टू माइनस थ्री बाई टू, राइट, एंड प्लस, और इसमें क्या बचेगा हमारे पास, वाई रेस टू माइनस वन बाई टू इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर इंटू वाई स्क्वायर। सो ये हमारी टर्म आ गई, अभी इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो सेम आएगा, इंटू माइनस वन बाई टू वाई रेस टू माइनस थ्री बाई टू प्लस, अब ये जो वाई स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा, सो यहाँ पे हमारे पास पहले जो ये है माइनस वन बाई टू है, और ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा मतलब माइनस टू हो जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम टू आ जाएगा इसका, और ये हो जाएगा टू टू ज़ फोर माइनस वन माइनस फोर, दैट मीन्स हो जाएगा ये वाई रेस टू माइनस फाइव बाई फोर, फाइव बाई टू हो जाएगा, सॉरी फाइव बाई टू क्योंकि एलसीएम टू है हमारा, तो माइनस फाइव बाई टू, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया माइनस फाइव बाई टू हो गया, और जो बाकी टर्म बच गई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर जो हमने एज इट इज़ लिखी। अभी इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन क्या है माइनस थ्री बाई टू कॉमन निकाल सकते हैं, और इसमें से तो हमने माइनस वन बाई, देखो यहाँ से वन बाई फोर भी कॉमन निकाल सकते हैं, ओके वन बाई फोर भी हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, वन बाई फोर एंड वाई रेस टू माइनस थ्री बाई टू को कॉमन निकाल दिया। तो जब भी कॉमन निकालते हैं हम तो उस चीज़ को जो कॉमन निकाल रहे हैं उस फंक्शन से डिवाइड कर देना है, जो भी कॉमन निकाला हमने, जैसे कि यहाँ से वन बाई फोर निकाला तो वन इसको वन बाई फोर मीन्स फोर निकाला, वन बाई फोर निकाला तो इसको हमने वन बाई फोर से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे हमारा माइनस टू बचेगा प्लस माइनस वन बचेगा, और ये हमारे पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉमन निकाल, बट एफ ऑफ वाई भी निकाल दिया। अब हमने जो प्रूफ करना था वो हमारे पास था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, तो एक्स एंड वाई को कर लिया, अब हमने करना है एक्स वाला किया उसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है, और जो वाई का किया है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना है। तो चलो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आगे जो हमने एक्स को किया, एक्स को डिफरेंशिएट किया, उसको अब हमने करना है वाई के रिस्पेक्ट में, और जिसको वाई को किया उसको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में,
सो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा अभी हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो हमारा जो फंक्शन को हमने y के रिस्पेक्ट में पहले कर लिया है, तो हमारे पास कर्ल f बाई कर्ल y की वैल्यू तो है पहले से पड़ी हुई है हमारे पास, जो कि हमने ये फाइंड की थी, ये वैल्यू है हमारे पास अभी जो हमने लास्ट रिजल्ट देखा था, कर्ल f बाई कर्ल y की वैल्यू यही है। इसको किसके साथ में किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है हमने, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो ये 1/4 कांस्टेंट होगा, y रेस टू -3/2 भी कांस्टेंट होगा। अब क्या कांस्टेंट नहीं होगा, देखो इसमें भी x है, ये x दिख रहा है, और इस सारी टर्म को एक ही कंसीडर करते हैं तो हमारे पास इसमें x है, राइट। तो हम यहाँ पे u एंड v का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, राइट। फिर से प्रोडक्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही रखिए। सो इसको अभी हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट। सो ये हमारा कांस्टेंट निकल गया 1/4 वाई रेस टू -3/2, ये कांस्टेंट निकल गया। अब हमारे पास बचा क्या, ये वाला u एंड v। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, पहले u को ऐसे ही रख दिया, u को एज इट इज़ रख दिया, और v का मैंने डिफरेंशिएट किया। अगर v का डिफरेंशिएट मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 में तो कोई है ही नहीं, 2 में तो कुछ x है ही नहीं, तो 2 का तो 0 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, वाई रेस टू, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको भी मैंने ऐसे ही रख दिया, और x माइनस ए का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, राइट। तो 2 इंटू एक्स माइनस ए, ये हो गया डिफरेंशिएशन, ओके इसका हो गया, राइट, ये हमने कर लिया। अब जो हमारा रह गया, अब हम v को ऐसे ही रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो u का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, ये हमने अभी पहले भी देखा था इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सो एक्सपोनेंशियल पहले तो उसका सेम ही आएगा, तो एक्सपोनेंशियल का हमने पहले सेम कर दिया, और जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर का फंक्शन है उसका हमने डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो वो देख लेते हैं। सो ये हमारी टर्म सेम है, तो इसमें अभी हम देखें कि कॉमन क्या निकल रहा है, ये चीज़ कॉमन है इसमें, और इसमें भी ये चीज़ कॉमन है, तो ये चीज़ हमने कॉमन निकाल दी, कॉमन निकाली तो हमारे पास ये टर्म आ गई। बचेगा क्या यहाँ से, 2y रेस टू -1 इंटू एक्स माइनस ए। अब जो ये माइनस था हमारा, इसका जो ये माइनस है, ये माइनस हमने यहाँ पे ले लिया, सो माइनस प्लस माइनस बन गया, इंटू ये एज इट इज़ टर्म है, इसको कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, कॉन्स्टेंट रखा है हमने, तो ये हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। और इसका डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो नीचे देखो डिनोमिनेटर में जो हमारी टर्म है 4y है, तो 4y हमने ऐसे ही रख लेंगे, और x माइनस ए का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, राइट। सो ये हमने 2 इंटू एक्स माइनस ए लिख दिया। और इसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी टर्म है, जो कॉन्स्टेंट टर्म तो हमने बाहर निकाली हुई है, और अभी इसको अरेंज करें तो 2 इंटू एक्स माइनस ए, ये जो y इनवर्स है, इसको हम इनवर्स में अगर नीचे लिखें, y इनवर्स को हम 1/y भी लिख सकते हैं, राइट। सो हमने इसको 1/y के फॉर्म में लिख लिया, माइनस ये हमारी ऐसे ही टर्म थी ऐसे ही लिख लिया, इनटू इसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, अभी इसमें और क्या कॉमन दिख रहा है, देखो x माइनस ए डिवाइड बाई वाई, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई, ये भी टर्म कॉमन दिख रही है आपको, तो ये भी चीज़ हम बाहर ले लेते हैं, तो ये भी चीज़ हमने कॉमन ले ली इस टर्म में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचा प्लस, और जो ये अब ओके रुको, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 1/2 बचेगा, तो x माइनस ए डिवाइड बाई वाई, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई कॉमन कॉमन हमारी टर्म निकल जाएगी, तो वो निकाल दी, तो हमारे पास इसमें ये 2 बच गया, ओके ये माइनस, अभी इस माइनस को इसके अंदर प्लस कर लेते हैं, सो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, एंड माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4y, ये आ गया। तो ये टर्म कैसे आई वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया था, इस टर्म में अगर इसको प्लस करता हूँ तो 2 माइनस वाई रेस टू माइनस, राइट,
ये जो वाई इनवर्स है मेरा, इसको मैं नीचे की टर्म में लिख दूंगा डिवाइड बाय वाई। मैंने अभी किसी टर्म को लिखा, इस टर्म को लिखा मैंने ये वाले टर्म में, ये माइनस अंदर प्लस करके, अंदर मतलब इंटू करके लिख दिया इसको, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे जो टू मैंने कैंसिल किया था, 1/2 बचा हुआ था, तो इसमें इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा, 1/2 आ जाएगा। तो ये से इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2y आया। यहाँ से ये जो 2y आपको दिख रहा था ना, वो यही ऐसे ही आया है। सो ये हमारा आ गया आंसर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम लिखें अगर 1/4, ये तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो y है इसमें अगर इंटू अभी y रेस टू माइनस 3/2 है, और ये जो y है अगर ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे -5/2 आ जाएगी। तो इसीलिए हमने 1/4 वाई रेस टू माइनस 5/2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4y ये लिख दिया, इंटू 2+1 3 हो जाएगा माइनस, ये हमारा आ गई टर्म। और हमने इसका जो फाइंड किया है वो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ये आ गई। अभी हमने जो वाई वाली टर्म पहले फाइंड वाई के रिस्पेक्ट में किया था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिया था, अब हमने जो एक्स के रिस्पेक्ट में किया था उसको फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर ये दोनों रिज़ल्ट सेम आए तो हमारा आंसर जो है वो प्रूफ हो जाएगा। सो हमने ये अभी करना है एफ ऑफ वाई एक्स, दैट मीन्स जो एक्स हमारा जो फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिया था उसको फिर से हमने वाई के रिस्पेक्ट में करना है। सो हमारे पास ये वैल्यू तो फाइंड की हुई है हमने पहले, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली ये पुट कर दी इसकी वैल्यू। अभी इसी फंक्शन को हमने किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट मीन्स जो भी कॉन्स्टेंट होगा वाई के अलावा उसको हम पहले ही बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हो -1/2 को बाहर निकाल दिया हमने, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, उसमें तो वाई है नहीं। और जो एक्स माइनस ए है ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें वाई है नहीं, इसको भी हम बाहर निकाल दें। तो ये बाहर निकल गए, बाकी क्या बचा, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, तो इसको हम u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लेंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट रूल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसके बारे में ज़रूर अवेयर रहें और आपको ये पता होना चाहिए कैसे इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा u है और ये हमारा v है। सो पहले मैंने क्या किया, किसी को भी पहले आप पहले या बाद में कांस्टेंट रख सकते हो, मान सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि पहले किसको डिफरेंशिएट करते हो या बाद में किसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैंने पहले इसको कांस्टेंट रखा है, v को ऐसे ही कांस्टेंट रखा है, और इसको y रेस टू माइनस 3/2 को डिफरेंशिएट किया है। सो मेरा जो ये ऊपर वाली टर्म है y रेस टू माइनस 3/2, ये नीचे आ जाएगी यहाँ पे, और उसी टर्म में से -3/2 में से -1 हो जाएगा। तो मेरा ये टर्म बन जाएगा y रेस टू माइनस 5/2 बन गया। अब प्लस, अब मैंने इस जो मेरी ये टर्म थी y रेस टू माइनस 3/2, इसको ऐसे ही कांस्टेंट रखा और इसको वेरी किया। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो पहले तो मेरी ये एज इट इज़ आएगी टर्म, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले तो हमारी जो टर्म रहेगी एक्सपोनेंशियल की वो तो सेम टू सेम आएगी, उसके बाद में जो उसके अंदर का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं उस वेरिएबल के साथ में। सो वाई के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। सो ये इस टर्म को हम लिख देंगे जो उसकी इंटरनल टर्म है, -x - a² / 4y। सो आगे इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया हमने। सो हमारे पास जो इसकी टर्म थी, तो ये तो हमने पहले ही कॉमन निकाल दिया था, और उसके बाद में हमारे पास ये भी कॉमन, उसमें देख सकते हैं कि कॉमन निकलेगा ये भी, तो ये भी हमने कॉमन निकाल दिया। तो उसके बाद में हमारे पास -3/2 y - -5/2 प्लस, उसको हमने जो डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास 1/y था, उसको 1/y को डिफरेंशिएट हमने, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले ये ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, और उसके बाद में -1 आगे आएगा, y - -1 बनेगा, तो दैट मीन्स -y² बनेगा, तो नीचे आएगा तो -y² बनेगा, तो नीचे आएगा तो -1/y² हो जाएगा ये।
तो ये हमने लिख दिया टर्म इसको डिफ्रेंशिएट करके। एंड उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो 1/2 हम फिर से कॉमन निकाल सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे भी है और 4 है, तो 1/2 फिर से कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने 1/2 फिर से कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 1/4 बन गया x माइनस है, और ये टर्म सारी हमारी एज इट इज़ रह गई। तो यहाँ पे तो -3 y^-5/2 ये हो गया, 2 कॉमन निकल गया, प्लस अब जो ये y² ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स y^-3/2 एंड -2, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा -7/2, इसलिए हमारा ये y^-7/2 हो गया। और यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाल दिया था, इसलिए हमारा ये 2 बच गया यहाँ पे, x^a² ओके। आगे अगर हम इसको देखें तो जो हमारा बचा हुआ अभी टर्म ये हमारी होगी, अभी इसमें से -1 y^-5/2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो भी हमने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, अब ये जो माइनस है, इस माइनस को मैंने अंदर इंटू कर दिया, इसको इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 बचा है यहाँ पे माइनस। और 7/2 में से मैंने -5/2 अगर माइनस किया तो y^-1 बचेगा, दैट मीन्स मैं आपको समझा देता हूँ कि y^-7/2 था, तो उसमें से हमने क्या कॉमन निकाला, y^-5/2। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी कॉमन निकालते हो आप, तो आप उस चीज़ को डिवाइड कर दो, तो -5/2 कॉमन निकाला हमने, सो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y^-7/2 + 5/2, तो जो अब हमारा आंसर बचेगा वो बचेगा y^-1, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये y^-1 लिख दिया राइट। उसके बाद में जो टर्म है हमारी वो एज इट इज़ है, एंड उसके बाद में जो मैंने ओवरऑल इसका आंसर लिखा है 1/4 y^-5/2 अरेंज करके लिख दिया, x^a e^-x^a² / 4y (3)x^a, जो हमारा ये आंसर मैंने अरेंज करके फिर से लिख दिया है। तो ये आंसर हमारा, और जो हमारा वो आंसर था जो हमने नेक्स्ट में निकाला है, ये देख सकते हो, ये वाला एंड जो अभी f(x,y) का ही, और जो अभी हमने निकाला f(y,x) का, बोथ आर सेम, यू कैन कंपेयर, एंड वी हैव प्रूव दी, जो हमने प्रूव कर दिया है कि हमारा जो आंसर वो निकला है वो दोनों सेम है, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इस वीडियो में आपको, या फिर इस न्यूमेरिकल में कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो राइट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।